सो हम समझने जा रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला पोर्शन यानी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके कॉस्ट फैक्टर का, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर के अंदर बेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने टफ नहीं होते, बट पता नहीं आप लोग को थोड़ा सा डाउट लगता है, इसलिए मैं इसके एक और रिविजन क्लास रख दे रहा हूँ आपके लिए। सो बेसिकली हमें ना इन फॉर्मुलेज को एक एक करके समझना है। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतने सारे फॉर्मुलेज हैं, हम कैसे लर्न करेंगे, हम कैसे क्या करेंगे, ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है? सर सर बोलना, आ रहा है ना? अब मैं कुछ बताता हूँ, ले देखिए ना, टोटल दो फॉर्मूले आप लोग को ध्यान में रखने हैं, इसके अलावा बाकी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही नहीं है। पहला फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है वो ये रखना है, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC का, और AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई Q। सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, बाकी कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितने भी अदर फॉर्मूलेज है ना, जैसे कि ये हो गया, 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 या फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बेटा ये सारे फॉर्मूलेज ना आपस में एक दूसरे से डिराइव होकर के आए हैं। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से समझना बस। सबसे पहले हमें समझना है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों हुआ? बिकॉज जब, अच्छा ये कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो ना बेटा, तो प्रोडक्शन के टाइम पे मतलब बाय कन्वर्जन योर योर इनपुट इनटू द आउटपुट, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें जो कॉस्ट लगती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट बोलते हैं। ये बात सबके समझ में आई? ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, उस केस में दो ही फैक्टर्स होते हैं बेटा। दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक फिक्स फैक्टर होता है, जैसे कि मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा होता है बेटा आपका वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल, लेबर्स, ये सारी चीजें। तो इन दोनों फैक्टर्स के जो कॉस्ट होती है उन्हीं को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारी बिजनेस की टोटल कॉस्ट यानी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये बात सबको समझ में आई? ठीक। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, फिक्स फैक्टर की कॉस्ट को हम टोटल फिक्स कॉस्ट यानी TFC बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट के टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसीलिए बेटा अगर मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिया तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज व्हाट? टोटल कॉस्ट। यहां तक सारे बच्चे क्लियर है? अब इसी के साथ अगर आप लोग को पहला फॉर्मूला समझ में आया ना, तो ये तीन फॉर्मूले एक साथ समझते हैं हम। देखो अगर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो बेटा देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट? TC माइनस, पूरा बोलो बेटा, TVC। यहां तक सबको समझ में आया? ओके। सेम एज TVC क्या हो जाएगा? TC माइनस TFC। पहले बताओ ये तीन फॉर्मूले सब बच्चों को क्लियर हो गए? बड़ा इजी था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर टोटल कॉस्ट, ध्यान से सुनना ठीक है, ध्यान से सारे बच्चे सुनना बेटा, अगर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो बेटा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मानते हो? मानते हो सब बच्चे? अच्छा तो बड़ी जैसे सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, अगर TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC है, सो AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC हो गया। अब इसी तरीके से बाय यूजिंग दिस वाला फॉर्मूला व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट AFC? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं क्या? सारे? ओके। अच्छा और सेम एज फिर AVC क्या हो जाएगा बेटा? क्या सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो देखो बेटा,
अब हमने एक साथ करते करते ये टोटल 6 फॉर्मूले समझ लिए। सारे बच्चों को ये 6 फॉर्मूले समझ में आ गए? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आप लोगों से बोला ना, आप लोग को टोटल 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एक तो ये वाला कि TC is equal to TFC plus TVC, और दूसरा एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा AC is equal to TC by Q, just because average cost is the per unit total cost of the output। तो अगर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं बताऊंगा नहीं, ये तुम ही लोग को समझ में आ जाएगा। अगर AC is equal to total cost divided by quantity है, तो बेटा व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एएफसी? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू है, तो फिक्स कॉस्ट का एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सेम एज बेटा एबीसी कैसे निकलेगा? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं क्या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्हीं तीन फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले तो ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? सबको? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, एसी इज इक्वल टू ईसी अपॉन क्यू है, और अगर इस क्यू को मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊं, तो यहां इस साइड डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर के इक्वल टू के इधर साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये इज इक्वल टू टीसी बन जाएगा। तो मतलब बेटा, अगर हम चाहें तो यहां से हम टीसी का एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, That will be AC into quantity। सारे बच्चे क्लियर हैं? सेम एज अगर अगर मान लो मुझे TFC का दूसरा फॉर्मूला निकालना हो, तो वो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? और सेम एज TVC का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? सारे? ओके, ठीक है। तो बेटा यहां से हमने इतने सारे फॉर्मूले तो समझ लिए, ठीक है, यानी हमने सारे कर लिए। अब बस हमारा एमसी का फॉर्मूला बचता है। मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली द चेंज इन द टोटल कॉस्ट। तो बेटा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट, या तो ये बनेगा फॉर्मूला, या फिर हम सेकेंड में से फर्स्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो भी हमारा सेम आ जाएगा। अब इसी बात पे ना सारे बच्चों, अच्छा सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला नोट कर रखा होगा ना? हमने चलो, अब मैं ना एक बार जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, फिर एक टफ क्वेश्चन देता हूं, फिर एक बहुत टफ क्वेश्चन देता हूं। तो सबसे पहले लेट्स से यहां पर लिखता हूं मैं यूनिट। अच्छा, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना रह गया है, हमेशा ध्यान रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम या फिर कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे कितना भी आउटपुट आता जाए, चाहे कितनी भी प्रोडक्शन कर लो बेटा शॉर्ट रन में, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, एट जीरो आउटपुट, यानी एट जीरो यूनिट, योर टीवीसी विल बी जीरो, योर टीवीसी विल बी जीरो, एंड टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। यहां तक सारे बच्चे क्लियर है? सब बच्चा हो, सब बताओ जब। अच्छा, अब इसी बात पे एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो यूनिट, एसी, एमसी, और यू हैव टू कैलकुलेट टीसी, टीएफसी, टीवीसी, ठीक है। लेट्स से जीरो,
अच्छा नहीं, एक चीज और देनी पड़ेगी, मैं यहां पर दे देता हूँ लेट से टीसी की वैल्यू दे देता हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ 5, लेट से टीसी क्या सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को? आपको टीसी फाइंड आउट करना है बेटा, टीएफसी फाइंड आउट करना है एंड टीवीसी फाइंड आउट करना है, कर सकते हो? बताओ कर सकते हो इस क्वेश्चन को? स्टार्ट करो, 5 मिनट दे रहा हूं डॉक्टर को। जगह की तरीके जल्दी जल्दी बच्चों। मैं बताऊं, इतनी जल्दी से रिटर्न करके? अच्छा अब मैं बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना आप जरा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एट 0 यूनिट, एट 0 यूनिट टीवीसी विल बी एंड टीसी इक्वल टू। अच्छा देखो, सो एट 0 लेवल टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एंड टीवीसी विल बी 0। पहला पॉइंट समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आया? अच्छा, और बेटा टीएफसी विल रिमेन एट ईच, टीएफसी विल रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, मानते हो? तो मान लो ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। यहां तक क्लियर है? अब बेटा अब इसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। कैसे? अब ना आपको हर एक ब्लॉक पे देखना है इंफॉर्मेशन क्या गिवन है।
आपको यहां पर फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट में एसी की वैल्यू गिवन है। तो बेटा टीसी निकालने का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर एसी आता है, क्या है वो फॉर्मूला? अरे यार टीसी इज इक्वल टू व्हाट? एसी इंटू क्यू। कहां है दिमाग जयंत? तो एसी इंटू क्यू विल बिकम दिस। और बेटा अगर टीसी 50 है, टीएफसी 40 है, तो क्या मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकता हूं कि टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? बेटा अगर मेरे पास टीसी गिवन है, टीएफसी गिवन है, तो टीवीसी निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? ठीक है, सो दिस विल बिकम 10। सारे बच्चे क्लियर है? सेम फॉर्मूला अगर आप देखो तो सेकंड वाले सेकंड यूनिट में भी आपको एसी गिवन है, तो एसी इनटू क्यू दिस विल बिकम टीसी हाउ मच? 90। सारे बच्चे क्लियर है? अच्छा बेटा 90 में से 40 रुपीज का तो फिक्स कॉस्ट है, तो बचा 50 रुपीज का क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे सारे बच्चे क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर आप थर्ड यूनिट में देखो तो आपको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, ठीक है? अब एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट 90 थी, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट यानी कॉस्ट में कितने का चेंज आया? प्लस के 20 का। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई होगी बेटा? 110। क्या सारे बच्चे यहां तक क्लियर हो गए? नहीं समझे? क्या नहीं है, क्या नहीं समझ में आया? फिर से पूछो। 90 कैसे आया? एक बात बताओ आलिया, हमारे पास एसी गिवन है सेकंड यूनिट पे और टीसी निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें एसी यूज होता है, क्या है वो फॉर्मूला? और अगर एसी मेरे पास 45 है और क्वांटिटी 2, बताओ कितना हो जाएगा? समझे? अच्छा और बेटा 90 के बाद फिर टोटल कॉस्ट में कितने का, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट में कितने का चेंज है? प्लस के 20 का। तो यानी आपका टोटल कॉस्ट बन गया होगा 110। सारे बच्चे यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, 110 में से 40 रुपीज का तो फिक्स कॉस्ट है, तो यानी 70 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट होगा। फिर फोर्थ यूनिट में तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि 160 आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, उसमें से 40 रुपीज के फिक्स कॉस्ट है, तो 120 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट हो गया। यहां तक क्लियर है? और बेटा 160 के बाद कितने का चेंज आएगा कॉस्ट में? तो यानी अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई होगी? 170 में से 40 रुपीज का फिक्स कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? अब देखो मेरे पास टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीनों चीजें आ चुकी है। और जैसे ही तीनों चीजें आ गई तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम बाकी चीजें अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू करके, और फिर हम एमसी भी निकाल सकते हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? अब भाई सारे बच्चों को बाकी सबके जवाब नहीं आए? अच्छा अभी भी इतनी जवाब आए। अब एक क्वेश्चन और, थोड़ा इससे बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। सो लेट से यहां पे यूनिट रख लिया, यहां पर यूनिट की वैल्यू 0, 1, 2, 3, रुक जाओ, 3 के बाद थोड़ी लाइन ही गलत बन गई, देन 4, 5, ओके, टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी और यहां पे लिख दिया मैंने मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? क्या ऐसी वैल्यू दूं?
थर्टी टेन तो फोर थर्टी फिफ्टीन ये पूरी टेबल सॉल्व करनी है बेटा। सॉल्व करके बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी बच्चों जल्दी बच्चों जल्दी करेंगे। सारे बच्चे फॉर्मूले यूज करेंगे बेटा। हर एक चीज के ना एक तरीका देखना। सबसे पहले तो जीरो यूनिट पे क्या क्या वो कंडीशन है उसको फॉलो करके फिर देखना कि हर एक यूनिट पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है और उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। डन ओके। बाकी बच्चों सौम्या जी कृतिका सुहानी सैनी पाठक दिव्याक्षी कृष्ण हुआ सेजल जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अब मैं ना एक बार करा रहा हूं ठीक है। देखना जरा कैसे करते हैं बेटा इसको ठीक है। रुको देखना। तो सबसे पहले तो एट जीरो लेवल टीवीसी विल बी जीरो एंड तो टीसी इक्वल टू TFC, that means, अगर TC 30 है तो TFC भी 30 होगा। अब एक बार अगर आपके पास TFC 30 आ गया तो हर एक लेवल पे कितना रहेगा ठीक है। मतलब ये तो अच्छा ठीक
ठीक है रुको, अब पहले बताओ यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? अच्छा अब देखो सर, अब सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट में आपको क्या वैल्यू गिवन है बेटा? एमसी की वैल्यू गिवन है, तो यानी टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया होगा बेटा फर्स्ट यूनिट में? 10 का, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई होगी? 40। अगर टोटल कॉस्ट 40 है उसमें से फिक्स कॉस्ट 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 10। ठीक है अब जरा सेकेंड लेवल पे देखो, आपको एवीसी गिवन है। अब एक बात बताओ, टीवीसी का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर एवीसी आता है, क्या आता है वो फॉर्मूला में? एवीसी इंटू क्यू। सारे बच्चे क्लियर है इस बात से? अच्छा सो इफ एवीसी इज 15 क्यू इज 2 तो बेटा टीवीसी कितना आ जाएगा उसके अब से? ठीक है और टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा बेटा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सो दिस विल बिकम 60। ओके फिर बेटा आप देखो तो थर्ड यूनिट में आपके पास एसी गिवन है, क्या मैं टीसी का एक फॉर्मूला होता है एसी इंटू क्यू, याद है आप लोग को? अच्छा तो एसी इंटू क्यू यानी 33 इंटू 3 दिस विल बिकम 99, जिसमें से हाँ जिसमें से 30 अगर आपका टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम 69। क्लियर एवरीवन? फोर्थ पॉइंट तो बहुत इजी है क्योंकि 70 फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है, 30 फिक्स कॉस्ट है, सो दिस विल बिकम 100। सारे बच्चे क्लियर है? ओके और लास्ट वाले बेटा देखो, टोटल कॉस्ट 100 के बाद कितनी चेंज हुई है बेटा लास्ट में? तो मतलब अगर ये 120 हो गया उसमें से 30 फिक्स कॉस्ट है तो 90 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? अब फॉर्मूले में अप्लाई कर लेना है सर। क्लियर है सारे बच्चे? ठीक है अच्छा चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बेटा, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और, जस्ट गिव मी अ मिनट। थ्री या सिक्स ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री या सिक्स या दोनों कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री करो, दोनों करेंगे। आपके पास बेटा एसी की वैल्यू गिवन है, एमसी की वैल्यू गिवन है, आपको इसको फिल करना है। तो एक काम करो, साथ साथ में इसके टीसी और टीएफसी फाइंड आउट कर लो, आधी इंफॉर्मेशन वहीं से आ जाएगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ पे शुरू करें बेटा। जल्दी करेंगे बच्चों, हुआ किसी का? टीएफसी कैसे निकलेगा? टीएफसी निकालने की जरूरत ही क्या है?
टीसी निकाल लो, वहीं से काम हो जाएगा। सबका मैं एक बार जो है जिन बच्चों को नहीं आया मैं एक बार करके बता रहा हूँ बेटा। देखो सबसे पहले तो टीसी का फॉर्मूला एक है AC इंटू क्यू, होता है कि नहीं? अब देखो इसको तो 12 इंटू वन दिस विल बिकम 12, ठीक है। तो अगर आपको एक बात बताओ, आपको कुछ नहीं पता तो मार्जिनल कॉस्ट भी कितना आएगा? 12 ही आएगा, वो आएगा जीरो आएगा फर्स्ट लेवल पे, बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं कि कितनी इंफॉर्मेशन है। देन क्या नाम है इसके बाद 10 गिवन है तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू टू 20। फिर आपको रुको ब्लैक एक यूज करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर तो आपका मार्जिनल कॉस्ट जीरो आ गया, 12 के बाद 20 हो गया, तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया भाई? टेन के बाद ट्वेल्व के बाद 20 हो गया, कितना चेंज आया टोटल कॉस्ट में? 8। फिर उसके बाद बेटा चेंज कितने का आया है? 10। ये कितना हो गया होगा? 30, समझे? ठीक है। उसके बाद बेटा देखो एसी की वैल्यू 10.5 है, तो 10.5 इंटू 4 हाउ मच? 42। तो यानी 30 के बाद कितने का चेंज आ गया? 12 का चेंज आ गया, समझ गए? उसके बाद 11 इंटू 5 55, तो 42 के बाद कितने का चेंज आ गया? 13, ठीक है। तो और उसके बाद बेटा 55 के बाद 17 हो गया, तो कितने का चेंज आ गया? 17 का चेंज आने के बाद टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 17 एसी कैसे निकलता भाई? टीसी एसी का फॉर्मूला बताओ जरा जिसमें टीसी आता है। ये फॉर्मूला होता है जैन, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद इन 3 मिनट्स जल्दी से। ये तो वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें बेटा टोटल दो ही फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एक एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, दूसरा टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू, और बाकी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। जल्दी करो जल्दी करो। क्या न्यूमेरिकल पार्ट? क्या थर्ड क्वेश्चन में एमसी फोर्थ पार्ट? 30 से 42 हो गया, 12 होगा। एमसी 12 कैसे होगा? टीसी 0 हो सकता है? हाँ टीसी इज इक्वल टू टीएफसी होता है ना, तो टीसी 0 तो हो नहीं सकता। अरे यार टीसी 0 हो सकता है टोटल को? यहां पर तुम कह रहे हो एमसी से 12 होना चाहिए, ये तब पॉसिबल है जब टीसी 0 होता ना, 0 लेवल पे तब ना चेंज आता 12 का, तो टोटल कॉस्ट कभी 0 हो सकता है? नहीं, लेकिन हो सकता है हमने वेरिएबल कॉस्ट उसके बाद भी ना लगाई हो, तो इसीलिए उसके बाद हमारी जो मतलब फिक्स कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट वो इक्वल रहेगी टोटल कॉस्ट का, और क्या। हो गया भाई बच्चों?
डन एवरीवन। अब देखो बेटा मैं एक बार करके बता रहा हूं। सो यहां पर टोटल कॉस्ट दिए हमें, एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, तो 60 अपॉन 160 आ जाएगा। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे एसी गिवन है, तो टीसी इज इक्वल टू एसी इनटू क्यू होता है, यानी 18 इनटू 2 36 हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड लेवल पे आपको ये दिख रहा है कि 36 होने के बाद टीसी भी 18 का चेंज आया है, तो यानी ये 54 हो गया होगा, ठीक है। फिर 54 से 120 कितने का चेंज आया? हाँ अच्छा, ये एबीसी है। ओ अच्छा सॉरी, अच्छा रुको रुको रुको, माय फॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर फिर हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा बेटा। सबसे पहले तो टीवीसी निकालने के लिए एबीसी इंटू क्यू, और दूसरा हमें एक और फॉर्मूला यूज करना होगा। रुको, एक फॉर्मूला यूज करना है बेटा आपको, टीवीसी इज इक्वल टू एबीसी इंटू क्यू करके। दूसरा बेटा हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी करके, ठीक है। अब रुको, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो पहले तो हम यहां पर निकाल लेते हैं जरा, टीवीसी और टीएफसी निकल जाएगा। अच्छा रुको, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट है 60, तो 60 डिवाइड बाय, रुको 60 है, और मार्जिनल कॉस्ट कितने का चेंज आया बेटा? 20 का, तो यानी इससे पहले टोटल कॉस्ट कितनी रही होगी? 40। तो जीरो लेवल पे अगर टोटल कॉस्ट 40 है तो फिक्स कॉस्ट भी कितनी रही होगी? 40। तो अगर फिक्स कॉस्ट 40 है तो हर एक लेवल पे फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? रुको, इस क्वेश्चन को ना मैं एक जगह नोट कर लूं पहले, वरना ऐसे कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन किसी ने नोट किया है? एक सेकंड रुको, फिर मेरे को जरा क्वेश्चन बताना बेटा, अभी रुको। क्वेश्चन बोलना बेटा जरा, कैसे कैसे था? यूनिट वन, रुक एक सेकंड रुक बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद एबीसी गिवन था ना, वैल्यू बोलना बेटा कहां कहां। फर्स्ट पे वैल्यू गिवन है क्या? किस पे गिवन है? हाँ हाँ फिफ्थ पे 22, और हमारे पर टीसी की वैल्यू गिवन है ना, फर्स्ट पे तो 60 थी, बाकी पे कितनी थी बेटे? फोर्थ पे 120, और मार्जिनल कॉस्ट जरा बताओ। थर्ड पे 18, बस ये इंफॉर्मेशन है ना। अच्छा रुको, तो इसकी हेल्प से हम बेटा टीएफसी और टीबीसी निकाल लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 40। रीजन इज क्योंकि उसके बाद एमसी में कितने का चेंज आया? 20 का चेंज आया है, तो मतलब इससे पहले आपका टोटल कॉस्ट कितना रहा होगा? 40। तो बेटा अगर जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट 40 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? रुको, ठीक है। तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा एक जगह पे 40 आ गई, तो बेटा हर एक लेवल में कितनी रहेगी? 40 रहेगी। ये तो हो गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब टोटल कॉस्ट 60 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 40 है, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट बहुत कितनी रही होगी? वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी? 20। और अगर बेटा वेरिएबल कॉस्ट 20 है तो एबीसी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टीवीसी अपॉन क्यू।
ठीक है, सो 20 डिवाइड बाय 1 दिस विल बिकम 20। सारे बच्चे क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ, टीवीसी का एक फॉर्मूला एबीसी इंटू क्यू है, ठीक है, सो बेटा एबीसी इज 18, 18 इंटू टू इज 36, सो टीवीसी 36 है, टीएफसी 40 है, तो बेटा इसकी हेल्प से हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, देन बेटा पहले फर्स्ट लेवल पे टोटल कॉस्ट 60 थी, सेकंड लेवल पे टोटल कॉस्ट 76 हो गई, कितने का चेंज आया, 16। उसके बाद बेटा मार्जिनल कॉस्ट में कितने का, मतलब टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया है, 18। तो यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई होगी बेटा, 94। अगर टोटल कॉस्ट 94 है उसमें से फिक्स कॉस्ट 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 54। और एबीसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन क्यू, तो अगर टीवीसी 54 है तो एबीसी निकल जाएगा 54 अपॉन 3 करके 18। ठीक है, देन उसके बाद बेटा एबीसी इंटू क्यू टीवीसी हो जाएगा 20 इंटू 40, 20 इंटू 4 80, और बेटा 80 प्लस 40 विल इक्वल टू 120 टोटल कॉस्ट। क्लियर है? अब अगर आप देखो तो थर्ड लेवल पे 94, फोर्थ लेवल पे 120 हो गया, कितने का चेंज आया, 26। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट में एबीसी इज गिवन एज 22, एबीसी इनटू क्यू दिस विल बिकम टीवीसी 110, राइट, एंड 110 प्लस 40 150 टोटल कॉस्ट हो गया, और 120 के बाद 50, 150 कितने का चेंज आ गया। सारे बच्चे क्लियर है? सारे